पिछले कुछ हफ्ते से हम एक टीचिंग सीरीज कर रहे हैं जो छुटकारे के ऊपर है। अगर आप इस कलीसिया का हिस्सा है तो हम छुटकारे के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये हमारी बुलाहट है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सेवकाई का, उसमें मैं बहुत अलग अलग कलीसियाओं में गया, बहुत अलग अलग स्टेट्स में गया, अलग अलग जगहों पर गया, और वहां पर मैंने एक चीज देखी है कि सब लोगों को वचन मालूम है, सब लोगों को मालूम है यीशु ने हमें छुड़ा लिया है, यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों को उठा लिया, सारी बातें हैं। मगर फिर भी कलीसिया बंधन में क्यों है? कलीसिया बंधन में कुछ कारणों से है। एक नंबर वन, उनको टीचिंग सही नहीं मिलता। अगर उनको सही शिक्षा मिले तो कलीसिया आजाद हो जाए। दूसरा बात, उनको मालूम ही नहीं है कि वो मुसीबत में है। जिस व्यक्ति को यही नहीं मालूम कि उनकी प्रॉब्लम क्या है तो वो छुड़ाए कैसे जाएंगे? तो फिर आप हिट एंड ट्रायल करते रहिए, अलग अलग नुस्खे आजमाते रहिए, कोई नुस्खा काम कर गया, नहीं किया तो नहीं किया। तो इसीलिए कलीसिया में सही वचन को सिखाना बहुत जरूरी है। अगर कलीसिया आजाद हो जाएगी तो हमारा पूरा देश बदल जाएगा, उसका कोना कोना, गली गली बदल जाएगी। क्योंकि कलीसिया केवल संडे के दिन एक जगह इकट्ठा नहीं है। जब आप घर जाते हैं, आप घर में भी कलीसिया है। जो वचन एक कलीसिया है, जो यूनानी एक शब्द है, ये बहुत ही सामर्थी कलीसिया, सामर्थी बात है। और अगर आप इस बात को समझेंगे तो आप समझेंगे कलीसिया केवल ये बिल्डिंग नहीं है, ये चार दीवारी नहीं है। जब आप घर में जाते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ, आप कलीसिया हैं। जब आप अपनी दुकानों पर बैठते हैं, आप कलीसिया हैं। जब आप अपने हॉस्पिटल्स में जाते हैं, काम की जगहों पर जाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, आप कलीसिया हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, वो किसी मंदिर में नहीं है, वो आपके ऊपर है। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहता है। अगर चाहे तो परमेश्वर एक सेकंड में चीजों को बदल देता है, मगर वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए उसने कलीसिया को बनाया कि आप में से हर एक व्यक्ति इस्तेमाल हो सके। आप कोई शो की चीज नहीं है। कुछ चीजें हम शोकेस में रख देते, ना हाँ कितनी सुंदर है, आप शोकेस में रखने के लिए नहीं है, आप जंग का हथियार है। बोलो, मैं जंग का हथियार हूं। जंग में मतलब वो जंग लगा हुआ नहीं, लड़ाई का हथियार हो। बोलो, मैं लड़ाई का हथियार हूं। अभी यहां किसी ने किसी को चूटी मारी तो इतनी जोर से चीखेंगे, वैसे बोल नहीं सकते। बोलो, मैं लड़ाई का हथियार हूं। मैं लड़ाई का हथियार हूं। मैं लड़ाई का हथियार हूं। मैं लड़ाई का हथियार। बोलो, मैं लड़ने के लिए आया है। मैं लड़ने के लिए आया। मगर हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, किससे है? शैतान से, अंधकार की ताकतों से है जो स्वर्गीय स्थान पर बैठी हुई है। आमेन। इफिसियों 6 में इस प्रकार से लिखा है, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। पिछले 2 हफ्ते से मैं आपको सिखा रहा था कि हमें आत्मा के जरिए से जीतना है। हम में से बहुत सारे लोग अपनी समझ के ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरी समझ, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं सुपरमान हूं, और मेरी बुद्धि बहुत तेज है, और मैं बुद्धि के जरिए से अपनी मुसीबतों में से निकल जाऊंगा। अगर आप अपनी बुद्धि, अपने बल, अपनी पढ़ाई, अपने एक्सपीरियंस के जरिए से मुसीबतों में से निकल जाते ही, तो आप मुसीबत में फंसते क्यों? आपका तो मुसीबत में फंसना लाजमी था ही नहीं। मगर बाइबल बताती है, अपने बल से मैं नहीं जीत सकता, अपनी ताकत से मैं नहीं जीत सकता, मगर उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा। बोलो, मैं आत्मा के द्वारा सारे काम कर सकता हूं। पवित्र आत्मा के जरिए से सारे काम कर सकता हूं। अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं, नशे में हैं, गरीबी में हैं, तकलीफ में हैं, और किसी बात में फंसे हैं, किसी लड़ाई झगड़े में फंसे हैं, किसी और चीज में फंसे हैं, आपको उसकी आत्मा चाहिए। क्योंकि उसकी आत्मा आपको छुड़ा कर ले आएगी, उसकी आत्मा आपको निकाल कर ले आएगी। आप अपने बल से निकल नहीं पाएंगे, अपनी ताकत से निकल नहीं पाएंगे, उसकी आत्मा के जरिए से। हम प्रार्थनाएं भी कैसे करते हैं? शारीरिक रूप से, शरीर के रूप से। हमको प्रार्थना करनी है आत्मा में होकर। जब तक आप आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आप बरकत को नहीं देखेंगे। कल एक परिवार के साथ मैं प्रार्थना कर रहा था, और हम आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे थे, और उस परिवार में एक आदमी को अन्य भाषा मिला है। तो मैं वेट कर रहा हूं कुछ और समय के लिए, ताकि हम एक और गवाही ले सके कि अन्य भाषा मिला है। ये कोई किताबी चीज नहीं जो बाइबल में है, ये हो रहा है। हम में से हर एक पवित्र आत्मा में भरकर आराधना करने वाला होना चाहिए, ठीक है? जब आत्मा में होकर आप प्रार्थना करते हैं, कुछ और ही बात होती है, आप किस और लेवल पर होते हैं। तो हमने उस बात को समझना है कि मैं आत्मा के जरिए से परमेश्वर तक पहुंच सकता हूं और बरकत पा सकता हूं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने सिखा रहा था वो ये था कि
हम पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो आप मैंने समझा कि पीढ़ी पीढ़ी का श्राप क्या है। हम कैसे, अगर हमने कोई गलती नहीं भी करी है तो कुछ गलतियां जो हमारे पुरखों ने करी है वो श्राप हमारे जिंदगियों में आ जाते हैं, मगर डरने की जरूरत नहीं है, हम उनमें से निकल सकते हैं। हम कई पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों को देखेंगे कि जैसे एक पीढ़ी से चलती हुई बीमारियां हैं, पीढ़ी से चलती हुई नाकामी है। अगर आप किसी श्राप के सिचुएशन में हैं तो कई बार ऐसा होता है आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आप कामयाब नहीं होते। ऐसा लगता है कि कोई एक शीशे की दीवार है जो आपको रोके हुए है। जैसे ही आप कामयाब होना चाहते हैं तुरंत वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे ही आप नशे से निकलना चाहते हैं तुरंत कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि आज से झगड़ा लड़ाई नहीं करूंगा अपने घर में तुरंत कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे ही आप सोचते हैं आज से मैं सही जीवन जीऊंगा तुरंत कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो हमको देखना है कि ये श्राप कैसे हैं और इनमें से निकलना कैसे है। पिछले हफ्ते हमने पूरी टीचिंग इसी पर रखी कि हम श्राप में से मुक्ति कैसे पाएं, पीढ़ी पीढ़ी के श्राप क्या हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि परमेश्वर केवल एक पिता ही नहीं है, वो एक जज भी है, एक न्यायी परमेश्वर है। तो शैतान क्या करता है, हमारी गलतियों को परमेश्वर के सामने दिखाता रहता है। और क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि अपना एडवोकेसी, हम यीशु मसीह तक अपना केस कैसे पहुंचाएं, हम कई बार रह जाते हैं तारीफ तारीफ धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ धन्यवाद धन्यवाद, मामला वहीं पे रुक जाता है। आत्मा में होकर लड़ाई करिए। मैं अभी थोड़ा, आप मेरे को देखना बंद करो, परमेश्वर की ओर ताको, हम आत्मा में जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको छुटकारे की कुंजी आपके हाथ में दूं, मैं चाहता हूं कि हम आत्मा में जाएंगे। विल गेट इनटू अ स्पिरिट, हम आत्मा में होके बातों को समझेंगे, हम आत्मा में होके बातों को समझेंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। जस्ट गेट इनटू स्पिरिट, आंखें बंद करें परमेश्वर को ताके, क्योंकि आज ये छुटकारे का समय है। आत्मा में जाइए, आत्मा में जाइए, हालेलुया, आत्मा में जाइए। आंखें बंद करिए और आत्मा में जाइए, गेट इनटू स्पिरिट रेल, आत्मा में जाइए। अपनी तकलीफों को आज एक सेकंड के लिए थोड़ा साइड में करिए और आत्मा में जाइए। अगर आपके शरीर में कोई दर्द हो रहा है किसी, मैं जानता हूं यहां पे कुछ लोग बैठे हैं जिनका सर घूम रहा है, शैतान उनके अंदर से वचन चुराना चाहता है। आंखें बंद करिए और हल्के से कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन इनकी आत्मिक आंखें खोल दीजिए, इनकी आत्मिक कान खोल दीजिए पिता, इनकी समझ को खोल दीजिए पिता। पवित्र आत्मा, आपके बिना कुछ भी करना असंभव है, क्योंकि तू जब उतरेगा पिता तभी तो छुटकारे होंगे, एक सही बेदारी उसी समय होगी पिता। आज छूट जाए पिता, आज जितने जकड़े हैं वो छूट जाए पिता, जितने मुसीबतों में है वो छूट जाए पिता। हालेलुया, हालेलुया, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को पुकारिए, कहिए पवित्र आत्मा मुझ में उतरा, मुझ में उतरा, मुझ में उतरा, मुझ में उतरा, पवित्र आत्मा 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 मुझ में सामर्थ दे कि मेरी समझ खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन इन सभी अजीजों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि इनके ऊपर आपकी आशीष हो रही है पिता, इनमें से हर एक छुड़ाया जाए पिता, क्योंकि तेरा वायदा है। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन, आमेन। हम में से सब लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह आया ताकि वो हमारी जगह जो क्रूस पर थी उसको ले ले, वो श्रापित बन गया ताकि हम आशीषित बन जाए। एक टीचिंग है, एक सो कॉल्ड क्रिश्चियन टीचिंग है, जहां पर कुछ लोग यूं कहते हैं कि पुराना नियम जो है वो वैलिड ही नहीं है, वो उसका कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह यूं कहता है कि पुराना नियम मुक गया। जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत प्रचार कर रहे हैं, वो गलत प्रचार कर रहे हैं और अधूरा प्रचार कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है जो मर्जी में आए वो किए जाओ, क्योंकि अभी तो अनुग्रह का समय चल रहा है, कुछ भी नहीं गड़बड़ होने वाला, यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप उठा लिए। ये सही बात है, उसने हमारे सारे पाप उठा लिए, मगर ये भी सही है अगर हम जानबूझ के गलतियां करते रहें
तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहेगा, ऐसा इब्रानियों 10 में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम मती 5:17 खोलेंगे और वहां पर यीशु मसीह पुराने नियम के बारे में क्या कहता है मैं जरा आपसे शेयर करना चाहता हूं। Jesus, hallelujah. वहां पर यह लिखा है, यीशु मसीह यूं कहते हैं कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं या खत्म करने आया हूं, परंतु पूरा करने आया हूं। यीशु मसीह का बलिदान जो हमारे लिए हुआ, उसने हमारे को एक वायदा पूरा करके दे दिया है। यीशु मसीह ने हमारे पाप उठा लिए, हमारी जगह जो दंड हम पर पड़ना था वो उसने उठा लिया और हमारे लिए एक आजादी का जीवन दिया है। मगर उसने दिया है, क्या आपने उसको लिया है? उसने दिया तो है, मगर क्या आपने लिया है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यीशु मसीह ने हमको बहुतायत का जीवन दिया तो है, मगर क्या आपने उस जीवन को लिया है? उसने दिया है, मगर क्या आपने लिया है? आपको एक चेक मिलता है, आपको एक चेक मिलता है, उस चेक को, सबको मालूम है चेक क्या होता है? नोट की बात कर रहा हूं, सबको मालूम होना चाहिए ना, चेक मालूम है जिसमें अक्षर लिखे होते हैं और उन अक्षरों को आप बैंक में डालो तो वो कैश हो जाते हैं। आपको सपोज किसी ने चेक दिया, ठीक है, आप उसको सिरहाने के नीचे रख के सोते रहे, क्या होना है? हाँ, पैसे आएंगे आपके जेब में, गर्मी रहेगी, हाँ मेरे हाथ में 50,000 रुपए, मगर जेब में क्या है? वो चेक से आप कुछ नहीं खरीद सकते, आप समझ रहे हैं इस बात को? चेक को सिरहाने के नीचे रख के सो, कुछ नहीं होने वाला। बाइबल को सिरहाने के नीचे रख के सो, कुछ नहीं होने वाला। चेक को जेब में रख के घूमो, मेरे जेब में 50,000 रुपए है, मगर फायदा कुछ नहीं। उसी प्रकार से यीशु मसीह के वायदों को भी आप लेके घूमो, मगर आप उसको अपनी जिंदगी में ग्रहण ना करो, फायदा कुछ भी नहीं। अगर हमने चेक को कैश कराना है तो हमको उठना पड़ेगा अपनी जगह से, बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक में कागज भरने पड़ेंगे, चेक डालना पड़ेगा और फिर उसको उम्मीद करनी पड़ेगी कि वो चेक क्लियर हो जाए, है कि नहीं? उसी प्रकार से यीशु मसीह ने आपके लिए काम कर तो दिया है, मगर कुछ काम अभी आपने भी करना है ताकि वो वायदे पूरे हो जाएं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सब कहे आमेन, जिनको समझ नहीं आ रही कहे हालेलुया। वचन में कई बातें हैं, हम सब वचन जानते हैं, ठीक है, हम सब वचन जानते हैं, आमेन। यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, सबको मालूम है? कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम? पीछे वालों, अंत के, जरा मेरी बात अगले 45 मिनट आराम से सुनना, छुटकारा पाएगा। सब लोग जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, ओके। वचन को जानना अलग है, वचन को सीखना अलग है, वचन का इस्तेमाल अलग है। आप में से सब लोग जानते हैं गाड़ी कैसे चलती है, गाड़ी के अंदर एक स्टीयरिंग होती है, स्टीयरिंग पे बैठ जाते गाड़ी चल जाती है, हाँ नहीं? पेट्रोल डाल लिया, सब कुछ मालूम है गाड़ी के बारे में, सबको मालूम है। उसके अंदर जो ड्राइवर होता है वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठा होता है, सबको मालूम है? मालूम है, ओके। गाड़ी के अंदर शायद आपने कोई किताब पढ़ ली होगी, गाड़ी कैसे चलाएं, वो भी सीख लिया होगा, ठीक है। मगर गाड़ी को सही मायने में सड़क पे चलाना, गाड़ी जानना अलग है, गाड़ी के बारे में सीखना अलग है और गाड़ी चलाना अलग। वचन के बारे में जानना अलग है, वचन के बारे में सीखना अलग है, वचन को जीना अलग है। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। जब तक आप वचन को जिएंगे नहीं, शैतान आपके पीछे से हटेगा नहीं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहां पे गुलाटिया खाओ, हालेलुया हालेलुया बोलो, सर के बल खड़े हो जाओ, 10 दिन तक खड़े रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जिस दिन आप वचन पे चलना चालू कर दिया, वो आपको टच नहीं कर सकता, वो आपको टच नहीं कर सकता। मैं जानता हूं यहां पे जब मैं ये वचन बोल रहा हूं, कुछ लोगों का सर घूम रहा है, यहां पे कुछ लोग हैं, कितने लोगों का सर घूम रहा है या उल्टी आ रही है, जल्दी बताइए। है कुछ लोग यहां पर जिनका सर घूम रहा है, उल्टी आ रहा है या नहीं है, हां या ना? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यहां पे सर घूम रहा है, हम अभी प्रेयर करेंगे, परमेश्वर आपको शांति देगा, आप हिलना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। वचन शैतान चुराने की कोशिश कर रहा है, इसको हम चोरी नहीं होने देंगे।
एक ऐसी चीज है जो हमारे छुटकारे को रोकती है, वो है क्षमाहीनता, किसी को माफ ना कर पाना, किसी को माफ ना कर पाना। हम कई बार लोगों को माफ नहीं कर पाते और इसी कारण से हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। क्या ये बात आपके समझ में आई? आज हम कोशिश करेंगे, वचन से सीखेंगे कि माफी क्या है और दूसरों को हम माफ कर पाए। मती 6 का 14 और 15 हम पढ़ेंगे। क्योंकि जे तुसी मनुखा नु ओना दे अपराध माफ कर देओ ता तुहाडा स्वर्गीय पिता तुहानु भी माफ कर देवेगा। ये लॉर्ड्स प्रेयर है। परमेश्वर से जब चेलों ने पूछा कि हम कैसे प्रार्थना करें, तो परमेश्वर ने ऐसे सिखाया है, हमारे बाप तू जो आसमान में है, जैसा तेरा राज्य आसमान में है वैसा जमीन पर होने दे। और फिर बोलता है यीशु मसीह मती 14 और 15 में, वो यूं कहता है कि इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, सुनो, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्ग में जो तुम्हारा बाप बैठा है वो तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। अगर हम लोगों के अपराध क्षमा नहीं कर पाए तो परमेश्वर भी हमारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हम में से बहुत सारे लोग अपने गुनाहों की माफी मांग तो रहे हैं, मगर हम दूसरों को माफ करने के लिए राजी नहीं है। क्योंकि हम दूसरों को माफ करने के लिए राजी नहीं है, हम परमेश्वर से पूरा क्षमा का एहसास नहीं कर पा रहे। Are you with me? समझ आ रही है? यहां पे वचन क्लियरली कहता है दूसरे को माफ करो तुम्हें माफ किया जाएगा, दूसरे को माफ करो तुम्हें माफ किया जाएगा। यीशु मसीह ने नए नियम में दो आज्ञाएं दी जो पुरानी सारी आज्ञाओं को, 613 आज्ञाओं का एक मूल है, वो मती 22 के 37 और 40 में है, वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद मैं ये कुछ आयतें आपको दे रहा हूं ताकि हम इस बात को समझ पाए कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है और हम क्या करें। मती 22 के 37 से 40 में यूं लिखा है, उसने उससे कहा तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन अपने सारे प्राण अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसने और उसी के सामने यह दूसरे भी कहा कि तू अपने पड़ोसी के समान प्रेम रख, यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। दो बातें परमेश्वर ने कही कि अपने परमेश्वर से पूरे मन पूरे प्राण से प्रेम रखने के लिए और अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखने को परमेश्वर ने कहा। हम परमेश्वर से तो प्रेम कर रहे हैं मगर अपने पड़ोसी से प्रेम करना हम कई बार भूल जाते हैं, हम अपने पड़ोसियों को छोड़ देते हैं। परमेश्वर से प्रेम करना आसान है क्योंकि वो दिखता नहीं है, मगर अपने पड़ोसी से प्रेम करना मुश्किल है क्योंकि वो दिखता है। सवाल यह है कि मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह से किसी ने पूछा, आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो आपका पड़ोसी है, आपके घर के बगल में जो रहता है वो आपका पड़ोसी है, आपका पति आपका पड़ोसी है, आपकी पत्नी आपकी पड़ोसी, आपकी सास आपकी पड़ोसी है, आपकी बहू आपकी पड़ोसी है, जो आपको नफरत करते हैं सवेरे गाली देते हैं वो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके साथ काम पे जाते हैं वो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके पड़ोसी हैं। तो इन शॉर्ट हम परमेश्वर से तो प्रेम करते हैं मगर जो उसने अपनी सूरत और सीरत में इंसान बनाया उससे हम प्रेम नहीं करते। जब हम किसी आदमी से नफरत करने लगते हैं तो हम कह रहे हैं परमेश्वर ये तूने क्या चीज बना दी, परमेश्वर ये तूने क्या चीज बना दी जिससे मुझे प्यार नहीं। तो दूसरे शब्दों में हम परमेश्वर से कह रहे हैं यार मेरे पति को थोड़ा तूने ठीक बनाना था यार, वो बिना बात के थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा डाल दो तो उछलता है या नमक कम डाल दो तो बकवास करता है, तुमने मेरी पत्नी को थोड़ा ठीक बनाना था, जैसे ही मैं क्रिकेट देखने लगता हूं उसको सारे काम याद आ जाते हैं। हम परमेश्वर के कंप्लेन करने लगते हैं जब हम किसी से नफरत कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट हम परमेश्वर से कंप्लेन कर रहे हैं कि खुदावन ये चीज जो तूने बनाई है ना ये सही नहीं बनाई, जबकि परमेश्वर का वचन यूं कह रहा है कि मुझसे सारा प्रेम कर और जो रचना मेरी है जो सबसे उच्च उत्कृष्ट रचना मेरी है उससे भी प्यार कर। कई बार ऐसा होता है कि जो कई लोग हमको ठेस पहुंचाते हैं, यहां पर कोई ऐसा है जिसको कभी ठेस नहीं लगी, कभी लोगों ने आपको कभी दुख नहीं पहुंचाया, ऐसा कोई है क्या? अगर आप ऐसे हैं तो आज का प्रचार आपके लिए नहीं है,
मगर मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग यहाँ पर मेरी उम्र तक पहुंचे हैं या मुझसे ज्यादा पहुंचे हैं, उनको कहीं ना कहीं ठेस लगी है, कहीं ना कहीं उनके मन में चोट लगी है, और ये चोट किसी ना किसी इंसान ने उनके अंदर जरूर लगाई है। और जब ये चोट लगती है तो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये चोट लगती है तो हमारा दिमाग उस इंसान के पीछे हमेशा घूमने लगता है। मैं आपको बोलूं, आज आपने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं सैम, आपने आज बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल किया है, आप दो सेकंड सोचेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। मगर मैं आपको बोल दूं, ये कैसे बैठे आप, थोड़ा ठीक से बैठिए, आपका थोड़ा मैं इंसल्ट कर दूं, आप जिंदगी भर नहीं भूलेगा, आप जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उस आदमी के पीछे लगा रहता है जिसने हमको किसी ना किसी रूप में नुकसान पहुंचाया है, किसी ना किसी रूप में हमको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है, और हमारा दिमाग 24 घंटे उनके साथ होता रहता है। मेरे दिमाग में चलता रहता है, यार कैसे मैं उसको उसका बदला लूं, कैसे मैं उसको ठीक करूं, यार कैसे मैं उसको मतलब अपना मतलब इक्वल स्कोर कैसे करूं। ऐसा सबके साथ होता है? खाली मेरे साथ ही हो रहा है कि आपके साथ भी होता है? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, पीछे वाले सारे संत बैठे हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर कोई आपके मन में ठेस पहुंचा दे, आपका दिमाग 24 घंटे उसके पीछे लगा हुआ है, यार कैसे बदला लूं अपना, हाँ ये एक पाप है। हम एक्चुअली उसके बारे में सोच रहे हैं जबकि हमें परमेश्वर के बारे में सोचना है। ये मन परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर केवल परमेश्वर के वचन की बात होनी चाहिए, यहां पर आजू बाजू का कचरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को हर समय किसी के पीछे किसी का मनन करने लगते हैं तो हम उसको एक मूरत के रूप में बना लेते हैं, एक ऐसी चीज बना लेते हैं जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी। आपने पिछले हफ्ते पढ़ा कि कैसे निर्गमन 20 में परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कोई मूरत खोद के मत बजाना। यीशु मसीह भी यूं कहता है कि मेरी कोई मूरत नहीं खोदना और उनके सामने झुकना नहीं। क्योंकि जब भी हम कोई मूर्ति पूजा करते हैं तो हम अपने ऊपर श्रापों को लेते हैं। जब कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसने हमें ठेस पहुंचाया है तो हम परमेश्वर के बारे में वो समा नहीं दे रहे, वो टाइम और वो एनर्जी हम उस आदमी के बारे में दे रहे हैं कि उसने मेरे को ठेस पहुंचाई है और मैं अपना हिसाब कैसे करूंगा। इन अ वे आप अपने दिमाग में एक मूरत बना रहे। और कई लोग रिवेंज के लिए या बदले के लिए इतना पागल है कि वो कई किसी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। मैंने सुना है यहां पर एक पिक्चर बनी है, जट्टी का बदला, ऐसा ही कुछ है कोई पिक्चर, पंजाबी पिक्चर कोई है जट्टी का बदला? हाँ, बदला जट्टी दा, हाँ मेरे को देखना है। वो बदले के बारे में है पूरी पिक्चर में, प्रा मेरा वो बदले के चक्कर में घूमे ही जा रहा है, साइकिल से घोड़ा, घोड़े से मोटरसाइकिल, पता नहीं बदला लेके ही रहूंगा। कई पति पत्नियों के रिश्ते भी ऐसे ही हैं, बदला लेके रहूंगा। आज कैसे तूने मेरे को चाय नहीं दी सवेरे, बदला लेके रहूंगा। आज कैसे मेरे खाने में नमक कम है, बदला लेके रहूंगा। कुछ लोग पास्टर से भी बदला लेते हैं, पिछले 3 हफ्ते से बोले जा रहा है शराब शराब शराब। मैं देखता हूं पहला शराब इसी को ही देता हूं। पास्टर कलीसिया से बदला लेते हैं, आज आया नहीं, फोन करके बोलूंगा तेरे घर में ये होने वाला है। सब एक बदले का माहौल चला हुआ है, मगर परमेश्वर बोलता है माफ कर। भजन संहिता 104 का 3 और 104 का 34 पढ़ेंगे। यहां पर यूं लिखा है कि मेरी जो मनन है, जो मेरा मन के अंदर के ख्याल है वो तुझे पसंद हो, जो मेरे मन के अंदर के ख्याल है वो तुझे पसंद है। अगर मेरे मन के ख्याल उसको पसंद नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं उसके विरोध में पाप कर रहा हूं और अपने आप को अशुद्ध कर रहा हूं। पढ़िएगा जरा, मेरा ध्यान ओनु भावे, मैं यहोवा विच मगन रहूंगा। क्या मेरा ध्यान ओनु भावे? आपका ध्यान आज की तरफ किसकी ओर है, यहोवा की तरफ है या उस आदमी की तरफ है जिसने आपको आज चोट पहुंचाई है? आपका ध्यान यहोवा की तरफ होना चाहिए क्योंकि वो जगह यहोवा की है, वो जगह परमेश्वर की है। वो आप किसी ऐसे आदमी को नहीं दे सकते, हार्ड मास के आदमी को नहीं दे सकते जिसने थोड़ा सा आपको उकसा दिया। मेरा ध्यान
आपको भाए। अगर आप मन में ऐसे विचार रख के बैठे यार कैसे मैं यहां से कैसे यार कैसे उसने मुझे बोल दिया कि मेरा रंग काला है, कैसे उसने मुझे गंजा बोल दिया, जैसा भी बोल दिया, जैसा भी हो उसकी सूरत और उसकी सीरत में है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। मेरा ध्यान ओह नु पावे मैं यहोवा विच मगन रहांगा। पापी धर्मी तो मिट जान अते दुष्ट बाकी ना रहन। हे मेरी जान यहोवा नु मुबारक आक। हालेलुया। मेरी जान यहोवा को मुबारक आक, मेरी जान यहोवा को मुबारक आक। भजन संहिता एक पढ़ेंगे और वहां पे भी एक खास बात है, एक और दो वहां पर भी कुछ खास बातें परमेश्वर ने आपको दी है। भजन संहिता एक का एक और दो पढ़ता हूं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर आप जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं तो इन तीन लोगों से दूर रहना है, इन तीन लोगों से दूर रहना है जो बंदे जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं। परंतु वो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके मन में केवल परमेश्वर का वचन चलना चाहिए। आपके मन में ये नहीं चलना चाहिए उसने मेरे को ऐसा कैसे कह, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं जो स्पेस आपको परमेश्वर को देना चाहिए था वो किसी हाड़ मास के ऐसे आदमी को दे रहे हैं जिसको शायद शैतान आपकी जिंदगी में एक स्पीड ब्रेकर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कई बार हम सक्सेस होने जाते हैं तो हमको याद आता है उसने मेरे बारे में ये कहा था। एक भाई को हम जानते हैं जिनको फौज से रिटायर कर दिया गया था, जिनको एड्स हो गया था। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना हमें फोन लगाया और हमने कहा कि आपका एड्स चंगा हो सकता है। उस भाई के दिमाग में आया जैसे ही मेरा एड्स चंगा होगा मैं अपने रेजिमेंट में जाऊंगा और उनके ऊपर केस कर दूंगा कि ये गलत है, मैं तो चंगा हो गया। परमेश्वर उनके साथ डील करने लगा। 3 महीने के बाद उनके मन में आया ये तो गलत कर रहा हूं, ये तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। जिस दिन उन्होंने ऐसा ठाना उस दिन उनका एड्स गायब हो गया, गायब, कभी था ही नहीं, कभी था ही नहीं। परमेश्वर ऐसे काम करता है और ऐसे काम आज भी हमारे बीच में हो रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको होते हुए। इब्रानियों 12:15 ये कहता है कि इस बात का ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से कोई भी वंचित ना रह जाए, कि कोई भी कड़वी जड़ प्रकट होकर तुमको नाश ना कर दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। जब हमारे बीच में झगड़ा और कलेश होता है ये एक कड़वाहट को पैदा करता है। इब्रानी 12:15 यूं कहता है कि जब हमारे बीच में झगड़े और कलेश पैदा हो जाते हैं, चाहे वो परिवार के अंदर है, चाहे कलीसिया के अंदर है, आपकी काम की जगह पर है, कहीं और भी है, तो आपके अंदर एक कड़वाहट पैदा होती है। और जब कड़वाहट पैदा होती है तो ये हमको अंदर से अपवित्र कर देती है। बहुत से लोगों को अपने सेवकाई के एक्सपीरियंस में जानता हूं कि जो अंदर से कड़वे हैं, और क्योंकि वो अंदर से कड़वे हैं इसीलिए उनमें से बहुत लोग बीमार हैं। मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं जिसके अंदर आर्थराइटिस है क्योंकि वो अपने पति से गुस्से में थी। जिस दिन उस बहन ने अपने पति को क्षमा किया उस बहन का आर्थराइटिस गायब हो गया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसके अंदर ब्लड कैंसर हो गया था, उसके जिंदगी में कड़वाहट थी अपने माँ बाप के विरोध में। जब उसने अपने माँ बाप को क्षमा किया उसकी कड़वाहट दूर हो गई और उसका कैंसर चंगा हो गया। हमारी जिंदगियों में कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे अंदर कड़वाहट से पैदा होती हैं। शायद कुछ लोगों को बीपी की तकलीफ हो गई। आप जब अपने दुश्मन के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। और जब बीपी बढ़ जाता है तो हमारे दिल के लिए वो अच्छा नहीं। ठीक है, तो हम अपने अंदर कड़वी जड़ों को पैदा ना होने दें। सवाल यह है कि ये कड़वी जड़ों को पैदा कैसे ना होने दें। हमारे को तो बड़ा मजा बड़ा आता है जब कोई आके हमारे कानों में चुगली करता है। पता है, पता है, पिंदर दी बीवी ओ सवेरे सवेरे 10 बजे उठ के लिपस्टिक ला लेंदी है, फिर उन्हां दी सास पूरे घर का काम कर दी है। सही में ओ हो मजा आ गया, हमको कुछ मसाला मिल गया पूरे दिन के लिए। मगर आपको मालूम नहीं जब ऐसे फालतू बातों को आपने सुना आपने कड़वी जड़ के लिए जगह दे दी।
अगर आपने पिंगा पता है फला आदमी ने तुम्हारे बारे में क्या कहा, मैंने कहा हाँ तूने उसके सामने बात करनी है ना, चल मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा बे? पता है पास्टर जी आपके बारे में क्या कहा? हाँ चल सामने चल के बात करते हैं, सामने चल के बात करते हैं। मेरा उसूल है, मैं जो भी कहता हूं मुंह पे कहता हूं, पीठ पीछे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, पीठ पीछे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आपने किसी के बारे में मुझसे बात करनी है, उसकी शक्ल पर करें, पीठ पीछे क्यों करना, पीठ पीछे क्यों करना है? क्योंकि जब हम पीठ पीछे लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम एक कड़वी जड़ को पैदा करते हैं। ऐसी बातों में लगेगा वो समय खा जाता है मेरा। आप पूरा दिन भर एक कमरे में मुंह फुला के बैठे रह सकते हैं, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उतना ही मुंह को थोड़ा आजादी दो, दुनिया को जाके चार आदमियों को सुसमाचार सुनाते हो, क्या अच्छा है मुंह फुला के बैठना या चार आदमियों को सुसमाचार सुनाना? हाँ जी, सुसमाचार सुनाएंगे और अधिकार मिलेगा। परमेश्वर की आज्ञा है कि पवित्र बनो। परमेश्वर यूं नहीं कहता हो सके तो पवित्र बनो, आज्ञा है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र हो जाओ। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कि तुम्हारे ऊपर टेम्पटेशन आता है, तुम ललचाए जाते हो शराब में, नशे में और भी व्यभिचार में? परमेश्वर आज्ञा फिर भी देता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र हो जाओ। यीशु मसीह अपने वचन में यूं कहता है कि कोई भी गलत बात को नहीं सोचना, वो पाप है। हम जब लोगों के विरोध में बदले की आग लेकर घूम रहे हैं तो हम परमेश्वर की सृष्टि के विरोध में बदला चाहते हैं, और जब हम इस बात के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को अपवित्र करते हैं। क्योंकि हम अपने आप को अपवित्र करते हैं इसीलिए हम परमेश्वर के सम्मुख उसके सिंहासन में नहीं जा पा रहे। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि कैसे महायाजक यहोशू के ऊपर शैतान अपना दांव चला रहा था, कैसे यहूदा की पुस्तक में पढ़ेंगे कि कैसे मूसा के ऊपर शैतान अपना हक जमा रहा है कि इसको मैं लेकर जाऊंगा। और यह सब हो रहा है परमेश्वर के कोर्ट रूम के अंदर, परमेश्वर के रूम के अंदर। अगर हम अपवित्र रहे तो हम इस कोर्ट रूम के अंदर जा नहीं पाएंगे। हम तारीफ तारीफ धन्यवाद करके चार घंटा वापस आ जाएंगे। आपको पवित्र होना है, आपको अपना विवेक को शुद्ध करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, माफ करना है। बोलो मैं माफ करने को तैयार हूं, क्योंकि माफी नंबर वन आपके गुनाहों को माफ करती है, दूसरा आपको अंदर से शुद्ध करती है। आपको समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने सेकंड लास्ट वर्ड जब वो सलीब पर था क्या कहा? इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और हम क्या कहते हैं? परमेश्वर इसको माफ मत कर, इसको साफ कर, गला काट उसका, पांव काट। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारी सारी प्रार्थनाओं नहीं सुनी, नहीं तो आधी कलीसिया लूली लंगड़ी अंधी गंगी बहरी होती। कुछ लोग तो 10 दिन का उपवास रख के बैठा हूं, उसका तो पकोड़ा बनना चाहिए, वो भी उबलते हुए तेल में। अच्छा हुआ ऐसी प्रार्थना है परमेश्वर कानों में उंगली उंगली डाल लेते। जब भी हम अपने आप को पवित्र करते हैं तो वो पवित्र करने का जरिया कैसा है? कि हम लोगों को क्षमा करते हैं। सुनो जैसा वचन कहता है, जब हमने लोगों को क्षमा किया परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हम शुद्ध हो जाते हैं, हम यीशु मसीह का लहू अपने पार लगाते हैं और हम परमेश्वर के सामने एकदम जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को देखता है वैसे ही वो हमें देखता है। ये बात आपको भी पता है, मगर क्योंकि हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा पा रहे। आप बोलते रहो ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, और अंदर कचरा पाले रहो, फर्क कुछ नहीं पड़ना, फर्क कुछ नहीं पड़ना है। आपने माफ करना है और कहना है परमेश्वर आपका लहू आप मुझ पर लगाइए। और जब आप माफ करते हैं तो आप यीशु मसीह के जैसे बन जाते हैं और परमेश्वर का लहू आपको ढंप लेता है और आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं। आपको मालूम है आपकी माफी में इतनी ताकत है। जब आप किसी को माफ करने का निर्णय लेते हैं, माफी देना एक निर्णय है, इट्स अ डिसीजन। चर्च आना एक डिसीजन है, दशमांश देना एक डिसीजन है, एक्सरसाइज करना एक डिसीजन है, अच्छा खाना खाना एक डिसीजन है, नशे को छोड़ना एक डिसीजन है, उसी प्रकार से माफी देना भी एक डिसीजन है, एक निर्णय है।
जिस दिन आप वो निर्णय लेंगे वहां पर आपको भरपूरी महसूस होगी। जो जो ना माफी है, जो अनफॉरगिवनेस है, वो मौत है। पहला यूहन्ना 3:14 वहां पर यूं कहता है कि जो भाइयों से प्रेम नहीं रखता वो मुर्दा है। पहला यूहन्ना 3:14 यूं कहता है कि जो भाइयों से प्रेम नहीं रखता वो मुर्दा है। सुनो, हम सब लोग क्या है? एक चर्च है कि नहीं? चर्च का मतलब क्या है? मसीह की देह, मसीह की देह। क्या अगर आपका एक पांव गोबर में गिर जाए तो उसको क्या करेगा? काट के फेंक देगा? उसको क्या करेगा? हाँ, धोएगा। तो ये आप अपने भाई और अपनी बहन के लिए क्यों नहीं करते? क्या आपका हाथ आपके दूसरे हाथ से नफरत करता है? क्या आपका एक पांव दूसरे पांव से नफरत करता है? तो फिर चर्च में आपस में नफरत क्यों है? उसको आशीष मिल गई, और फलाने का बेटा कनाडा चला गया, फलाने का घर में 32 इंच का टीवी आ गया, परमेश्वर तू उसको देता है मुझे नहीं देता। माफ करो, जिस दिन तू माफ करेगा तुझे भी मिल जाएगा। जिस दिन तू माफ करेगा उस दिन मुझे, मैं कई बार ये बात बता चुका हूं, कई बार घमंड की वजह से हम माफ नहीं करते। कई बार मैं बहुत घमंडी था थोड़े समय पहले, और मैं परमेश्वर से एक चीज मांग रहा था और दूसरों को दिखा रहा था, इसका जीवन ऐसा है, उसको तो तूने दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? ये देख, ये तो मुझसे ज्यादा पापी है, तूने इसको दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? परमेश्वर ने कहा ये अपना एटीट्यूड ठीक कर। जिस दिन तू अपना एटीट्यूड ठीक करेगा उस दिन तेरे मांगने से पहले तुझे दे दो। मैंने अपना एटीट्यूड ठीक किया और मुझे मिला, मेरे मांगने से बढ़कर मिला, और अभी भी मिल रहा है। बस मैंने अपना एटीट्यूड थोड़ा ठीक किया, मैंने अपने आप को दीन किया, अगर उसको भी दिया है मुझे भी मिलेगा। मेरे परमेश्वर के पास कमी थोड़ी ना। हम अपने आप को थोड़ा सही करें, हम अपने भाइयों से प्रेम रखें। कई जगहों पर केवल नफरत का प्रचार है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है। पाप सबने किया है, इसका जगह पर कौन ऐसा है जो पापी नहीं है? मेरा पाप तो तुम्हारे पाप से बढ़िया कैसे? पाप पापी है, गंद बदबू ही है वो। मेरी बदबू तुम्हारी बदबू से अच्छी कैसे? बदबू तो बदबू ही है। मगर फर्क यह है कि हम उस बदबू में जीना चाहते हैं या मसीह के लहू से अपने आप को धोना चाहते हैं। बाइबल यूं कहती है, जो अपने भाइयों से प्रेम नहीं रखता वो अपने भाइयों को, वो मृत्यु है। हम एक चीज पढ़ेंगे और मैं देखूंगा, दिखाऊंगा आपको कि श्राप आपके ऊपर कैसे काम करता है। उत्पत्ति की किताब 12:3 सब लोग निकाल लेना ये, अगर ये बात को आप समझ गए आपका दिमाग खुल जाएगा। उत्पत्ति 12:3 यहां पर परमेश्वर अब्राहम से एक वायदा मांग बांध रहा है, एक वाचा बांध रहा है। सुनो, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आप सभी को मालूम है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो अब्राहम की, ठीक है, जो अब्राहम की संतान को आशीष देगा वो आशीष पाएगा, मगर जो अब्राहम की संतान को श्राप देगा वो क्या पाएगा? उसको कोसेगा। अब्राहम की संतान कौन है? जो आपके बगल में बैठा हुआ, हां जी, आपके बगल में बैठा हुआ बंदा जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो मेमने के लहू से शुद्ध है, वो अब्राहम की संतान है। सुनो, होता क्या है, शैतान को मालूम है उसका जोर आपके ऊपर नहीं चलेगा, और हमारे दिलों के बीच में कड़वाहट पैदा करता है। ये कड़वी जड़ जब भी दिल में आ जाती है हमारी प्रार्थनाएं नहीं हो पाती। आपकी किसी ने बेइज्जती इंसल्ट कर दी, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, आप दिन भर चैन नहीं रहेगा, बेचैन रहेंगे, आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे। आपके मन में एक नफरत जागेगी और आप उसे कोसने लगेंगे, आप उसे कोसने लगेंगे, आप उसे कोसने लगेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अब्राहम की संतान को कोसते हैं, हेलो, ये बात अपने दिमाग में डाल लो,
जब भी हम किसी अब्राहम की संतान या बेटे या बेटी को पोसते हैं तो हमारे ऊपर क्या गिरता है? बात समझ में आई? आप क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्यों आपकी जिंदगी में तरक्की नहीं है? क्योंकि आप शायद किसी ना किसी को कोस रहे हैं। अगर आपके समझ में आए तो आमीन बोलिए, आमीन। नहीं आए तो हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं कि हम माफी कैसे दें। माफी देना एक निर्णय है। आज आप अपने मन में प्रार्थना करिए और मैं विश्वास करता हूं 30 सेकंड लीजिए। हम 30 सेकंड की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद छोटा छोटा बोल के खत्म करूंगा क्योंकि समय हो गया। 30 सेकंड लीजिए और परमेश्वर से पूछिए कि मैं किन के विरोध में कड़वाहट मेरे दिल में। 30 सेकंड्स लीजिए, 30 सेकंड्स आपका समय चालू होता है। परमेश्वर से पूछिए किन के विरोध में मैं कड़वा हूं या कड़वी हूं। अगर आप कड़वाहट है आपके दिल में, उनका नाम परमेश्वर आपको दिखाएगा, उनकी बातें आपको परमेश्वर याद दिलाएगा। हालेलुया, प्रार्थना पे जाए। परमेश्वर आपको दिखाएगा कि आप किन किन लोगों से आपके मन में कड़वाहट है। या आपके माँ बाप हो सकते हैं, या आपके भाई बहन हो सकते हैं, ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके चर्च के मेंबर्स हो सकते हैं, ये शायद आपका पास्टर हो सकता है। ये आपके बगल में बैठा हुआ आपका भाई हो सकता है। आमेन। कई बार सवाल यह है किसी के मन में है, अगर आपको शायद मालूम चल गया होगा आपके मन में किसके प्रति कड़वाहट है। आमेन। मैं वो जानना नहीं चाहता, मगर क्या किसी का सवाल है कि हम माफ कैसे करें? है कि नहीं है? या माफ करना नहीं चाहते, आप वैसे के वैसे वापस जाना चाहते हैं, माफ करना सीखना चाहते हैं, या बदला जट्टीदा लेके रहेंगे? बदला जट्टीदा से फायदा कुछ नहीं है। मैं एक ऐसी आयत दूंगा जो आपका दिमाग घुमा देगी, ठीक है, दिमाग घुमा देगी, आखिरी के लिए बचा के रखा है। मगर सुनिए, माफ करना कैसे? क्योंकि माफ नहीं करेगा उसका वजन अपने कंधे पे लेके क्यों घूम रहा है? उसने तुझको जो भी बुरा भला बोलना था, जो भी तुझको गलत बोलना था, वो बोल के मुक गया, मगर तेरी यादों में वो अभी भी जिंदा है। मुर्दों को अपने साथ रखोगे तो वो बांस मारते ही हैं। जो गया उसको जाने दो। मेरी एक खास बात है, मैं कभी अपने आप को डिफेंड नहीं करता। डिफेंड करने का मतलब, पास्टर जी उसने आपके विरोध में ऐसा कहा, कहा तो कहा उसके बारे में, जब उसका दम हो तो मेरे मुंह पे आके कह के दिखा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और इसीलिए मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। उसने तुम्हारे बारे में ऐसा किया, ओ मेरा ब्लड प्रेशर 100 200 300 400 हो गया, कहने दे जो कहता है। सानू की आनंद बख्शी का एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहने दो, मेरा मन हमेशा परमेश्वर की तरफ लगा रहे। आर यू विद मी? माफ करना सीखेंगे आप, रिलीज करना छोड़। पतंग कितने लोग उड़ाना जानते हैं? हाँ, अगर आप पतंग उड़ाना जानते हैं तो पतंग कैसे उड़ेगी जब तक आप उसको ढील नहीं दोगे, कस के पकड़ के रखोगे वो उड़ेगी नहीं। जितने लोगों ने आपके खिलाफ गुनाह किया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपको तकलीफ दी है, आज ढील दे दो। ढील दे के पतंग जब मुंह पर पहुंच जाए, उन लोगों के नाम की डोर काट देना। पूछो कैसे? उनके लिए आज हम प्रेयर करेंगे कि हम उनको रिलीज करते हैं, जिन लोगों ने हमें धोखा दिया, जिन लोगों ने हमें नीचा दिखाया, जिन लोगों ने हमारे बारे में उल्टी सीधी बात कही, आज हम उन्हें रिलीज करते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो। लाशों को साथ में लेके क्यों घूमना? उसने तुम्हारे बचपन में तुमको कहा तुम गधा है, आज भी अब तुम्हारे दिमाग में वो काम चल रहा है कि तुम गधा है, क्योंकि ये बातें आपको अपवित्र कर रही हैं। और क्योंकि आप अपवित्र हो रहे हैं, इसीलिए आप परमेश्वर के सामने नहीं जा रहे। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं को निकालने का, मरकस 16 में ऐसा लिखा है, मालूम है आपको? तो वो अधिकार आपकी जिंदगी में काम क्यों नहीं कर रहा?
जब हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में, मनु हाथ पकड़, मैं और मनु एक रिश्ते में है, ठीक है? अगर मैंने बिजली की तार छू ली तो मनु के अंदर क्या होगा? करंट आएगा। इसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह, जो करंट से, पावर से, अथॉरिटी से भरा हुआ है, जब हम पवित्र होकर उसको छू लेते हैं, जो अधिकार यीशु मसीह के अंदर है वो मेरे अंदर दौड़ने लगता है, तब हम दुष्ट आत्माओं को डालेंगे, वो निकल जाएगा। क्योंकि हम अपवित्र हैं, मन में दूसरों के विरोध में है, यार किसी तरीके से ना मेरी मिनिस्ट्री चल जाए फिर दिखाता हूं उसको, तुम्हारी मिनिस्ट्री कभी नहीं चलेगी। किसी तरीके से मेरा धंधा चल जाए फिर बताता हूं उसको, तुम्हारा धंधा कभी नहीं चलेगा। तुम परमेश्वर के पास पूरे सच्चे मन से जाओ कि खुदावन मुझे बरकत दे, तुम में से हर एक बरकत लेके आगे आएगा, हर एक बंदा बरकत लेके आगे आएगा। कई बार ऐसा होता है, जिन लोगों ने आज तुम्हारे बारे में बुरा कहा है, गलत कहा है, आज उनको, उनकी डोर काट दो, उनके नाम की पतंग उड़ाओ और बोलो गुड बाय, जाने दो उनको, उनको अपने दिमाग से निकालो। बोलो कि पर पास्टर जी मैं कैसे कर सकता हूं, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है, तुमको नहीं पता जमाने ने मेरे साथ क्या क्या किया है, अभी अपना चिट्ठा खोल के दिखाऊंगा तो तुम्हारे आंखों में से खून के आंसू आने लगेंगे, मगर मैं उसको लेके जिंदा नहीं रहता, जाने दे, जाने दे, क्या रखा है, मेरा क्या ले गया, मेरा क्या ले गया, मेरा आशीष का स्रोता तो परमेश्वर है, अगर वो मेरा पैसा ले गया ले जाने दे, मेरे को परमेश्वर वैसे दे रहा है, अगर वो मेरी बेइज्जती करना चाह रहा है वो सफल नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर मेरी इज्जत का रखवाला है, अगर वो मुझे नीचा गिराना चाह रहा है मैं तो परमेश्वर के साथ ऊंची जगहों पर बैठा हूं। आप घबराते क्यों हैं? वो आपके बारे में कुछ नहीं कर सकते, आपका दुश्मन आपको गिरा नहीं सकता, आप अपने आप को खुद गिरा सकते हैं, कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि बाइबल बताती है तेरे विरोध में जितने हथियार बने हैं वो सफल ही नहीं होंगे, अगर वो सफल नहीं होंगे तो तुम्हारे विरोध में सफल कैसे है? क्योंकि तुम खुद ही कह रहे हो मैं मर जाती, मैं ये करती। एक बहन हमको मिली गोवा में पहले साल में, उसके गले में इतना मोटा ट्यूमर, इतना मोटा मेरे हाथ के बराबर का, तो उनकी मम्मी हमारे घर में लेके आई, उस समय गोवा की जो शाम की सभा थी हमारे घर में चलती थी, और हमने उससे पूछा कि क्या तू अपने आप को श्राप देती है, बोला हाँ। मैंने कहा फिर तो खुशी मना, तेरे गले में कैंसर हो गया है, अच्छी बात है, क्योंकि तू कल से ही बोल रही थी मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। शैतान को जरूरत क्या है तुम्हारे विरोध में किसी और को खड़ा करने की, खुद ही बोल रहे हो मैं मरना है मैंने। आज जब तेरे गले में ट्यूमर हो गया तो रोने की क्या बात है, मेरे पास क्यों आई है, खुशी मना, पार्टी दे, तेरी दुआ कबूल हुई है। कहती सॉरी पास्टर जी। अगले दिन वो बायोप्सी में उस दिन हमने उससे कहा कि आप प्रेयर करिए और परमेश्वर से माफी मांगिए, और ये जो श्राप आपने अपने ऊपर बोला है ये आपके ऊपर से हट जाएगा। उसने प्रेयर की, अगले हफ्ते वो आई, इतना मोटा ट्यूमर गायब। डॉक्टर बोलते ये कैसे हो गया, उन्होंने बायोप्सी करी, बायोप्सी क्लीन। जब आप अपने ऊपर ही ऐसी इल्जाम लगा रहे हैं, अपने आप को ही नीचा कर रहे हैं, तो आप ऊपर कैसे बढ़ोगे, आप ऊपर कैसे जाओगे, अपने आप को ही बोल रहे हो मैं मर जाती। शैतान को जरूरत क्या आपको मारने की, शैतान को जरूरत क्या है आपको मारने की, वो तो आपकी जबान का इस्तेमाल करता है। नीति वचन में लिखा है मृत्यु और जीवन की सामर्थ कहां है, तुम्हारी जबान पर है। आप अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरे को कोसने के लिए करते हैं, जब आप दूसरे को कोस रहे होते हैं तब आप अपने ऊपर श्राप ला रहे हैं। बात समझ में आई? Yes. बात समझ में आई? Yes. बोलो मैं किसी को कोसूंगा नहीं, अपने आप को भी नहीं कोसूंगा, क्योंकि मैं आशीषित हूं। जब बाहर के लोग आपके साथ कुछ गलत करते हैं उनको माफ करना आसान है, मगर जब पति पत्नी आपस में करते हैं उनको माफ करना कई बार, दूर वाला कोई कुछ भी कर दे मैं सबको माफ कर सकती हूं मगर मेरे पति को छोड़कर, मैं सबको माफ कर सकता हूं मगर मेरी पत्नी को छोड़कर, मैं सबको माफ कर सकती हूं मगर मेरी सास को छोड़कर, मैं सबको माफ कर सकता हूं मगर मेरे ससुर को छोड़कर, क्योंकि बगल वाले है ना, वो भी तो परमेश्वर की देह है, वो भी तो परमेश्वर का बच्चा है। क्या आपने, जब किसी को, मैंने किसी को माफ करना होता है तो सबसे पहले मैं अपने गिरेबान में झांकता हूं। मैं अपना तरीका बता रहा हूं, आपका तरीका शायद अलग हो सकता है, मैं अपने आप अपने अंदर देखता हूं,
कि क्या मैंने कभी कोई गलती नहीं की। सबको अपने गिरबान में झांकने का हक है। जब आप किसी के विरोध में गुस्से में हैं या किसी के विरोध में कुछ और बात है, तो आप सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें कि क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं थी, क्या परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया, क्या परमेश्वर ने मुझे नहीं छुड़ा लिया। अगर परमेश्वर ने मेरे लिए किया है तो दूसरे के लिए भी करना लाजमी है। सबसे पहले आप अपने गिरबान में देखें। कई लोग अपने आप में धर्मी है, सेल्फ राइटियस है, मैं सबसे ज्यादा पवित्र आदमी हूं, मैंने कभी कोई गलती नहीं की। ये लोग माफ नहीं कर पाते क्योंकि इनको अपनी गलती दिखती नहीं। दूसरी चीज, जब आप किसी को माफ कर रहे हैं, खास तौर पे परिवार के लिए, आप दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ तो उनके बीच में कैसे प्रेयर करनी है। मैं प्रार्थना करता हूं, अगर मेरा झगड़ा किसी अपने बहुत ही करीबी आदमी से हो गया या उसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई, तो मैं प्रेयर करता हूं कि पिता उसको उसकी गलती दिखा ताकि वो अपने मन को बदल ले। उसको कोसने की जगह मैं उसको आशीष देता हूं कि परमेश्वर मैं उसको आशीष देता हूं, फलां व्यक्ति को आशीष देता हूं, बरकत देता हूं, प्रभु और उसको और आशीष दे, उसके घर में और बरकत ला और उसके मन में उसकी गलती दिखा। और ये बात मैं ऐसे नहीं करता, माफ करता हूं, नहीं, मैं दिल से दुआ करता हूं। जैसे मैं अपने लिए दुआ करता हूं, जितने लोगों ने मेरे विरोध में गलत किया है, मैं उनको दुआ देता हूं कि परमेश्वर आप उनको आशीष दें, उनके घर में पैसे दें, उनकी उनको ऊपर उठाए, पिता उनकी जिंदगियों को बदले। जब मैं ऐसी दुआ करता हूं तो मेरे दिल में कॉन्फिडेंस आता है, परमेश्वर मेरे साथ है। पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डाल देगी। आज रात को करके देखना, अभी करके देखना, यू विल फील कॉन्फिडेंट। और उसके बाद हर एक जो श्राप है उसको तोड़ के देखें। एक रोमियो की पत्री 12 का 20 पढ़ेंगे, आखिरी वचन है, उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं प्रार्थना करके। सुनो, ये बड़ा ट्रिकी वचन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। यहां पे पौलुस रोमियो की कलीसिया को यूं कहता है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो तू उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो तू उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। क्या समझे आप? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, ऐसा करने से उसके सर के ऊपर आग के अंगारे गिरेंगे। मजेदार बात है कि नहीं है? मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। यदि तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसकी सेवा कर, क्योंकि जब तू उसकी सेवा करेगा पवित्र आत्मा तुझसे उसे छुएगी और वो नरक के गड्ढे में जाने से बच जाए। सबसे बड़ा बदला है माफी। मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मैं आपको समझा नहीं सकता। सबसे बड़ा बदला है माफी, माफ कर दो। क्योंकि जैसे ही आप माफ करते हो, सबसे पहले आप आजाद हो जाते हो, आपकी आने वाली पुश्तें आजाद हो जाती हैं और आप हर एक श्राप से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तेरे गुनाह माफ किए गए हैं। आर यू गेटिंग मी? अगर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप जिंदगी में कुछ आगे कर नहीं पा रहे, तो आज ये मौका रहेगा कि आप माफ करें। हो सकता है यहां पे जितने बहने हैं, जितने भाई हैं, शायद बहनों को किसी ने गलत रीति से आपके साथ कोई बदतमीजी करी हो या आपको उन्होंने बुरा भला कहा हो, मगर आज माफ करने की बारी। भाइयों के साथ, आपके साथ किसी ने जालसाजी करी हो, आपके पैसे लूट लिए हो, आपको कुछ और तरीके से नीचे किया हो, मगर आज उनको माफ करने की बारी। क्योंकि जैसे ही आप माफ करेंगे, आपके ऊपर के सारे श्राप तोड़े जाएंगे, आपकी बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में से निकल जाएंगी, आप मुक्ति को देखेंगे। माफी बहुत बड़ी सामर्थ्य भी रखता है। आपके गुस्से में इतना सामर्थ्य नहीं है जितना सामर्थ्य आपकी माफी में है, जितना सामर्थ्य आपकी माफी में है। मैं विश्वास करता हूं आपकी आंखों के सामने, आपके दिमाग में वो लोग घूम रहे हैं जिन्होंने आपके विरोध में कुछ ना कुछ पाप किया है। आज ये मौका होगा कि हम उनको माफ, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे माफ किया। आज थोड़ा जोर लगाए, बोले ये पास्टर जो भी कह रहा है आज मैं उसको मान जाती। मुश्किल है मगर असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा के जरिए से आप लोगों को माफ कर सकते। शरीर से माफ नहीं कर पाऊंगा, मगर आत्मा से
माफ कर दूंगा। आइए माफी मांगे परमेश्वर के सामने, उन लोगों को आजाद करें जो लोग आज इस सेवकाई में हिस्सा बनना चाहते हैं, इस खास प्रार्थना में जाना चाहते हैं। क्योंकि जब मैंने माफ किया, मेरे अंदर से बहुत सारी चीजें निकल गई। मैं बदले से भरा हुआ एक लड़का था, और मैं बदले से भरा हुआ लड़का था। मेरे पाँव में दो जख्म थे, वो कभी भरते नहीं थे। मेरे एड़ी पर हो गए थे, मैंने बड़ा डॉक्टर दिखा लिए, बड़े इलाज करा लिए, मगर जिस दिन मैंने माफ किया, वो जख्म भरने के लिए मुझे कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली भर गया। ऑटोमेटिकली, निशान तक नहीं है मेरे टखनों के ऊपर उठकर। माफी बड़ी पावरफुल चीज है, माफी बड़ी पावरफुल चीज है। आज हम माफ करेंगे, ये मेरी गवाही है, और ऐसी गवाहियां आपकी जिंदगी में से अगले हफ्ते मैं सुनूंगा कि जब आपने माफ किया, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और पवित्र आत्मा को अपने सामने बुलाएंगे। शायद आप शारीरिक रीति से इसको नहीं कर पा रहे हैं, शायद आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, मगर आज ये समय रहेगा हम लोगों को माफ करेंगे। जितने लोग अपनी जिंदगी में श्राप को झेल रहे हैं, तकलीफों को झेल रहे हैं, आज हम एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को माफ करें। हालेलुया, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। माफी, शायद कुछ लोगों ने आपके ऊपर जादू टोना किया, शायद कुछ लोगों ने आपके ऊपर श्राप बोले। शैतान को अपने घर में घुसने का मौका ना दीजिए, प्लीज आज माफी मांगिए, उनको माफ कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, जाने दो, वो तुम्हारा क्या ले गए। अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में बरकत को तुम देख नहीं पाओगे।